किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, और क्या कुछ खास था जो आप इस फिल्म के लिए? एज ए परफॉर्मर तो जब भी आपको एक अच्छा किरदार निभाने का मौका मिले तो आप ऑफ कोर्स यू जंप टू द सेम, आप करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे तो ये सर्वाइवल अपनी जगह पे, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स यू लव टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। उसके अलावा सुजात भाई मेरे दोस्त हैं, उनसे भी मेरे उससे पहले भी हमने काम किया है साथ में, और जब उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा है और कंपैरेटिवली जो हमने पहले किया है उससे कम ही है, इसको हम कह सकते हैं इज अ गेस्ट अपीयरेंस, बिकॉज उसमें एक बिल्डअप था सीज़न टू क्रिएट करने के लिए। और सीज़न टू में जिसका, जैसे कि आपने सेक्रेट गेम्स में पंकज त्रिपाठी का पहले सीज़न में जैसे था कम पोर्शन, देन सीज़न टू में ज़्यादा आ गया, तो उसी तरीके से इसमें भी है। और कहानी बहुत अलग है, कहानी जिस आप लोगों ने ट्रेलर भी देख ही लिया होगा अंदाज़ा हो ही जाता है। और हॉलीवुड में ऐसे सब्जेक्ट्स पर काम होता है, काफ़ी हद तक हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है इतना लेवल पर। और कहीं ना कहीं अगर इंसान को लगता है कि कुछ कमियां, हमें हमेशा हम पहले कमियों को ढूंढते हैं, खामियां पहले निकालते हैं, खूबियों की बात पे बाद में करते हैं, लेकिन कीपिंग द बजट कंस्ट्रेंट्स इन माइंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। और जिस हिसाब से मैंने इसके रशेस देखे हैं डबिंग पे स्टूडियो में, आई एम होपफुल कि लोगों को ये पसंद आना चाहिए। चलेगा डेफिनेटली। सी वाकई क्या है, अल्टीमेटली ऑडियंस को चाहिए, जेनी लाइक हमारे हर कंटेंट की ऑडियंस है बिकॉज ऑफ द ओटीटी। आज की तारीख में पीपल एक्चुअली वांट टू लुक एट द कंटेंट जो उनको बांधे रखे, स्पेशली अगर हम 2020 की बात करें, लॉकडाउन में बात करें, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी बनी देख नॉर्मली मैं शायद वो लोग देखते नहीं, बट पीपल हैड नथिंग टू डू, तो वो लत लग गई। और जब एक लत लग जाती है देन यू स्टिक टू इट, दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट, इट्स गुड टू गो टू द सिनेमा हॉल्स टू वॉच अ फिल्म, बट ये है कि हम अपनी, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वाला सीन हो गया है, वी आर वॉचिंग आर एंटरटेनमेंट एज पर आर कन्वीनियंस, वी पॉज इट, वी डू सम अदर वर्क ऑल्सो, देन वी कम बैक। उस हिसाब से दे नीड डिफरेंट स्टफ, देर आर लॉट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड विच आर देयर, एंड दे आर दे हैव एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सो इट इज़ ए नीड ऑफ एन आर फॉर अस ऑल्सो टू क्रिएट सम स्टफ, क्रिएट सम कंटेंट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द League, so that like people have options to watch. Okay, so when this Pakistan read you this script, so what was the first thing that came in your mind that I need to do this? No, ultimately, for as I said earlier also, for an actor, you like the first thing which you do is like, you know, is there anything different for me? Yeah. As far as my character is concerned, like I have played many negative characters in most of the films, series, and all. This was completely different. A cop. And a different shade altogether, and as a performer also you feel good to show your versatility, so it was an option for me, opportunity for me to show my versatility to the audience. Okay, so do you think it is somewhere inspired by the Bogua character? It's completely different. It's not, because that was more of zombies. Yeah. It's not a zombie. Yeah. Zombie. We have seen a lot of zombies in Hollywood also. काफी बनी हैं चीजें उसपे. It has nothing to do with that. हाँ ऑफकोर्स आप सुपर नेचुरल की बात करेंगे, उस हिसाब से बात करेंगे, हॉरर टाइम की बात करेंगे, तो उससे तो मिलता जुलता है, वो तो हम कितना भी बना लें एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिलती ही मिलती हो। यू कैन नॉट कम्प्लीटली क्रिएट अ फ्रेश स्टफ, बट येस इट इज़ डिफरेंट फॉर श्योर, नो द वे इट्स बीन, कहानी जिस हिसाब से बताई गई है ये अलग है, द वे इट्स बीन पोर्ट्रेट, द वे इट्स बीन शॉट, एंड लोकेशन आर ब्यूटीफुल, ऑडियंस के लिए इट्स अ ट्रीट टू वॉच, दैट्स व्हाट आई पर्सनली। No, it's not negative. That's the first thing which I did. That's why मैंने पहले कहा कि it's a versatility which a person has to show. Because see, negative मैं personal life में नहीं हूँ, but on screen सब मुझे negative characters की वजह से ही जानते हैं। और जब सामने बोलते हैं तुम हंसते भी हो, मैंने कहा मैं हंसता भी हूँ। खैर, तो this was an opportunity for me to portray a different character. In fact, काफ़ी और भी किए हैं, but this is one such character which I would love to be part of in season 2 also, and I'm sure कि you will like it, everybody will like it. Okay, so my last question. So this is the first week of 2022. So how are you looking forward for 2022? I'm looking forward कि कोई और lockdown ना हो. Yeah. I was expecting कि like लोगों ने mask पहने होंगे, लेकिन mask नहीं पहने हैं. मैंने भी अभी उतारा है. खैर. But let's pray and hope कि doesn't happen. Whatever we were seeing from last 2 years, that doesn't repeat. And we be a little careful and we pray for well-being. सबकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं और सबका काम बना रहे और That's all we can do and can prepare. Thank you very much.